नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 7 अक्टूबर और साथियों, इस वीडियो में शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है, व्याख्याता पद पर 4 साल से प्रमोशन नहीं, प्रदेश में 20,000 पद खाली, 17,000 स्कूलों में पद खाली, पढ़ाई प्रभावित हो रही। सीकर, प्रदेश के 17,000 से अधिक स्कूलों में व्याख्याता के 20,000 से अधिक पद खाली पड़े, इन पर 4 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। पद खाली होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक संगठनों ने व्याख्याता पद पर 4 साल से लंबित डीपी जल्द से जल्द करने की मांग की है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा कहना है कि व्याख्याता पद पर वर्ष 2021-22-23 और 23-24 और 24-25 के नियमित डीपीसी, बाकी डीपीसी के लिए वैधता सूची जारी कर आपत्ति ले ली गई थी। विभाग में चर्चा है कि सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है, अब डीपीसी की तिथि तय होनी है। उन्होंने मांग की है कि आरपीएससी डीपीसी की तिथि तय कर बैठक आयोजित करे ताकि व्याख्याता बनने का इंतजार करे शिक्षकों को राहत मिल सके। ये सीकर से आज की बड़ी अपडेट। और जिला स्तरीय विज्ञान मेला इसके स्कूल में आज से 3 दिन चलेगा सीकर। और यहाँ पर अगले अपडेट्स, विवाद, पाठ्य पुस्तक मंडल की शर्त थी गैर शैक्षणिक कर्मचारी ही लगेंगे, फिर भी शिक्षा विभाग ने 78 शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाया। नियम ताक पर रखकर किए शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति आदेश। जयपुर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में 78 शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाने के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया। मंडल ने पिछले साल 100 पदों पर कर्मचारियों को डेपुटेशन में लेने के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें शर्त थी कि शैक्षणिक कैडर के अलावा कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते, केवल गैर शैक्षणिक कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों जब शिक्षा विभाग ने पाठ्य पुस्तक में डेपुटेशन के आदेश जारी किए तो हर कोई हैरान रह गया। नियम कायदे ताक पर रखकर जिन 87 कर्मचारियों के यहाँ प्रतिनियुक्ति पर लगाने के आदेश हुए उनमें से 78 तो शिक्षक थे। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब मंडल के डेपुटेशन पर लेने के नोटिफिकेशन में स्पष्ट अंकित था कि केवल गैर शैक्षणिक कर्मचारी लगाए जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को मंडल में लगाने के आदेश किसका सिफारिश जारी हुए, यहाँ पर देख सकते हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने दी आंदोलन की धमकी, ये भी आप देख सकते हैं इसके तहत। और एसआई पेपर लीक, एसओजी ने डमी कैंडिडेट बिठाने पर महिला अभ्यर्थी को भी पकड़ा। अफीम तस्कर भागीरथ के ट्रेनी एसआई बेटे बेटी गिरफ्तार, आरोप कबूला। बर्खास्त इंस्पेक्टर गोपाल से 20 लाख में यहाँ पर खरीदा था पेपर। अफीम तस्कर भागीरथ राम ने 20 लाख रुपए में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का लीक पेपर खरीदकर अपने बेटे दिनेश और बेटी प्रियंका को दिया था, जिसे पढ़कर उनका चयन एसआई भर्ती में हो गया। और बर्खास्त इंस्पेक्टर गोपाल सारण से पूछताछ में जानकारी मिलने के बाद एसओजी ने आरपीए ट्रेनिंग सेंटर में रविवार को सगे भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। भागीरथ फरार है और भागीरथ जोधपुर जेल में डबल मर्डर के आरोपी ओम प्रकाश फौजी व क्रूड ऑयल चोरी में बर्खास्त इंस्पेक्टर गोपाल सारण से 2020 में संपर्क में आया था, ये भी आप देख सकते हैं। एसआई पेपर लीक से जुड़ी अपडेट है, यह आज के इतिहास 7 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इंतजार खत्म, नौकरी के राधिक युवाओं के लिए चुनाव। यहाँ पर रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती के लिए 14,298 पदों पर विज्ञप्ति जारी है, लास्ट डेट 16 अक्टूबर आवेदन के लिए। आरआरबी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के सहित 336 पदों पर विभिन्न कैटेगरी के पदों पर यह बहाली, और लास्ट डेट 24 अक्टूबर। आईडी से कभी भी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकेंगे, स्टूडेंट्स की बनेगी वन नेशन वन आईडी, इसमें रहेगा पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड। चूरू, अब स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति और उपलब्धियों की तमाम जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में शैक्षणिक और कैरियर के दौरान स्कूली और कॉलेज छात्रों को आजीवन एक यूनिक राष्ट्रीय पहचान नंबर जारी किया जाएगा, कार्यवाहक सीडीओ गोविंद सिंह ने बताया है। और 676 परीक्षक माने लापरवाह, निदेशालय के एक्शन से खुद बोर्ड ही बेखबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम बदलाव पर प्रकरण भिजवाए, कार्रवाई की सूचना आज तक नहीं मिली। अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सालाना परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन में गंभीर त्रुटि छोड़ने वाले 676 परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की अभिशंसा करने वाले बोर्ड को ही नहीं पता कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर उन पर क्या कार्रवाई की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर लापरवाही पर लगाम किस तरह कसी जा सकेगी। बोर्ड के 2 वर्ष के आंकड़े खंगालते हुए उत्तर पुस्तिका जांचने में गंभीर त्रुटि और लापरवाही करने वालों की नामजद सूची और उन पर क्या कार्रवाई हुई के संबंध में बोर्ड प्रशासन ने बात
की तो आपसी समन्वयता की गंभीर कमी सामने आई। उत्तर पुस्तिका जांचने पर खर्च हुए 35 करोड़, ये भी आप देख सकते हैं। और 3 दिवसीय विज्ञान मेला आज से, जिले के 369 अभ्यर्थी चयनित, बीकानेर। और अगली खबरों में यहाँ पर नीट पीजी ऑल इंडिया 50% कोटा, पीजी काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन शुरू हुए 15 दिन बीते, शेड्यूल जारी नहीं, लेट होगा सत्र। ऑल इंडिया 50% कोटा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 15 दिन बाद भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने गत 20 सितंबर को राउंड फर्स्ट की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की। काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी किए जाने का उल्लेख किया था। अगली खबरों में आप देख सकते हैं, उच्च शिक्षा अभ्यर्थी अब 10 तक जमा कराएंगे शुल्क, 14 को जारी होगी लिस्ट। पीजी प्रीवियस का नया सत्र 15 से, डॉक्यूमेंट सत्यापन और फीस जमा करने की तिथि बढ़ी, बीकानेर। सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रीवियस का नया सेशन अब 15 अक्टूबर से शुरू होगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने ऑनलाइन प्रवेश का संशोधित टाइम फ्रेम घोषित किया है और मेरिट और वेटिंग सूची में आने वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज की जांच अब 10 अक्टूबर तक की जा सकेगी। वही अभ्यर्थी ई मित्र पर शुल्क भी 10 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। पूर्व में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित थी। अगली खबरों में आप देख सकते हैं, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में युवाओं के लिए मौका। यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती और 500 से ज्यादा विद्यार्थी आज से दिखाएंगे अपनी प्रतिभाएं। जिला स्तरीय साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होगी। अजमेर शिक्षा विभाग द्वारा 70-24-25 की उच्च माध्यमिक व माध्यमिक छात्र छात्रा अंडर 17 और 19 वर्ष साहित्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आगाज आज से होगा। अजमेर जिले से संबंधित यह अपडेट। और अगली खबरों में यहाँ पर, पिछली 2 RAS परीक्षाओं में बेरोजगारों से ज्यादा नौकरी वालों का हुआ चयन, RAS 2018 और RAS 2021 के आंकड़ों से खुलासा। प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के मामले में उन अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है जो पहले से सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत है। पिछले 2 RAS 2018 और RAS 21 के परिणाम के आंकड़ों से ये खुलासा सामने हुआ है। 26 से 30 साल के युवाओं का होता है सर्वाधिक चयन। RAS 2018 में आयोग ने अंतिम परिणाम के बाद कुल जितने अभ्यर्थियों के नाम कार्मिक विभाग को अभिस्थापित किए उनमें कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों की संख्या 1030 और बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या 896 थी। और राहत, यहाँ पर 12 सेवाओं के लिए 22 से 24 अक्टूबर तक 6 पारियों में होगी सीटी, गृह जिले में मिलेंगे परीक्षा केंद्र। श्रीगंगानगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीटी एग्जाम्स को लेकर के अपडेट, अब नहीं काटी जाएगी सेट की आस्तीन और 40% अंकों की बाध्यता। तो साथियों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।